हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग आज के वीडियो में हमारा डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। सो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें की, हमने इनफैक्ट डीप लर्निंग या फिर आप न्यूरल नेटवर्क्स बोल सकते हो, उसका काम करने का पूरा जो मैकेनिक्स है वो समझा हमने। हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया कि डीप लर्निंग क्या होता है, फिर हमने परसेप्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, और हम अभी पढ़ रहे थे कि हाउ टू ट्रेन अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यूजिंग बैक प्रोपोगेशन। बीच में हमने कुछ प्रैक्टिकल डेटा सेट्स के ऊपर भी काम किया। तो इन शॉर्ट ऑन द होल हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि एक न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक न्यूरल नेटवर्क है और आप उस न्यूरल नेटवर्क का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो फिर क्या किया जा सकता है, व्हाट आर द टेक्निक्स दैट यू कैन यूज़ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर न्यूरल नेटवर्क। ये हमारा आज का टॉपिक है, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ओवरव्यू टाइप का है, जहाँ पर मैं आपको अलग अलग टेक्निक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा, और फिर फ्यूचर में हम हर टेक्निक के ऊपर एक फुल डिस्कशन करेंगे एक एक वीडियो बना के, ठीक है। तो दैट इज़ द प्लान, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। अभी तक हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इन एंड आउट जो भी मैकेनिक्स होता है, कैसे काम करता है एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो हमने समझ लिया, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हमने एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था कि डीप लर्निंग होता क्या है, फिर हमने पढ़ा अबाउट परसेप्ट्रॉन्स, फिर हमने पढ़ा परसेप्ट्रॉन को यूज़ करके मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स कैसे बनाए जाते हैं, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में हमने पढ़ाई किया जो तरीका है प्रिडिक्शन करने का, उसके बाद हमने फिर पढ़ा कि कैसे ट्रेन किया जाता है एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या फिर ANN को, और इस प्रोसेस में हमने दो इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स देखे जो कि था बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम और दूसरा था ग्रेडियंट डिसेंट जिसको यूज़ करके बैक प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। तो इतना हमने अभी तक कवर किया। अब गोइंग फॉरवर्ड आप सोच रहे होगे कि अब और क्या करना बाकी है, तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है कि अब ये सीखना है कि अगर आपके पास एक ऑलरेडी ट्रेंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, आप उसका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। क्योंकि केरास पे हमने जब कोड चला के देखा था, कुछ प्रोजेक्ट्स भी हमने किए थे, तो वहाँ पे एक लेवल ऑफ एक्यूरेसी रीच करना तो बहुत ईजी था, कोई भी कर सकता है अगर उसको केरास चलाने आता है। बट सवाल ये होता है कि कौन उसको इम्प्रूव कर पाएगा। सो अगर आपके पास 90% का एक्यूरेसी आ रहा है, कौन उसको 92% तक ले जा सकता है, तो ये समझना हमारा आगे का टारगेट है। इनफैक्ट आगे के जो 10, 12, 15 जितने भी वीडियोस होंगे उसमें हम यही सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है वो काइंड ऑफ एक रोड मैप है, इट इज़ गोइंग टू बी अ रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 15 वीडियोज़। आज के वीडियो में ही मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनको यूज़ करके हम फ्यूचर के वीडियोस में हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ब्रॉडली बात करो तो दो चीज़ें हैं जिनको अगर आप हैंडल कर लो तो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर जाता है। फर्स्ट, आपने नोटिस किया होगा हम जब प्रोजेक्ट्स बना रहे थे वहाँ पे हम जब केराज में कोड लिख रहे थे तो बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स थे। हाइपर पैरामीटर्स वो चीज़ें होती हैं जिनका वैल्यू एक डीप लर्निंग इंजीनियर देता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हाइपर पैरामीटर्स थे, अगर आप उन हाइपर पैरामीटर्स का वैल्यू सही से सेट कर पाओ तो ऑटोमेटिकली आपका जो न्यूरल नेटवर्क फॉर्म होगा उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। क्या क्या हाइपर पैरामीटर्स हैं, सबसे पहला तो ये हाइपर पैरामीटर होगा कि आपके नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितने हैं, ठीक है। हम न्यूरल नेटवर्क जब बनाते हैं तो लेयर्स ऐड करते हैं और बीच के लेयर्स को हम हिडन लेयर बोलते हैं। तो एक गिवन प्रॉब्लम के ऊपर कितने हिडन लेयर्स होने चाहिए, ये एक हाइपर पैरामीटर है, आप केरास को बताते हो। तो कितना होगा ये कैसे डिसाइड करना है ये हम सीखेंगे। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पर लेयर कितना होगा। जैसे ये पहला है, इसमें हमने मान लो 128 डाल दिया, यहाँ पे हमने 64 डाल दिया, यहाँ पे हमने 32 डाल दिया। तो ये डिसाइड कैसे होगा ये नंबर कि कितने न्यूरॉन्स जाएंगे हर लेयर में, ये हमें सीखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हाइपर पैरामीटर आपका होता है लर्निंग रेट, लर्निंग रेट, लर्निंग रेट इज़ वेरी क्रूशल। आप ग्रेडियंट डिसेंट लगा रहे हो, लर्निंग रेट अगर आप बहुत छोटा रखोगे
तो ट्रेनिंग स्लो हो जाएगी, बहुत फास्ट रखोगे तो रिजल्ट सही नहीं आएंगे, तो लर्निंग रेट को कैसे सेट करना है ये भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा जो आपको एक और हाइपर पैरामीटर ठीक करना होता है वो होता है ऑप्टिमाइज़र। अब ये ऑप्टिमाइज़र बड़े काम की चीज़ है और डीप लर्निंग में इसके ऊपर बहुत काम होता है। इट्स बेसिकली कि हम जो वेनिला ग्रेडियंट डिसेंट है हम वो यूज़ नहीं करते, हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे ग्रेडियंट डिसेंट थोड़ा फास्टर कन्वर्ज करता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद आपका बैच साइज, मान लो हम मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट कर रहे हैं जिसमें हम एक साथ 32 रोज का डेटा यूज़ करके एक अपडेट करेंगे, यह सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये नंबर कैसे डिसाइड होगा, बैच साइज कितना होना चाहिए, इसको घटाने बढ़ाने से क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला जो हाइपर पैरामीटर है वो है एक्टिवेशन फंक्शन। ये कैसे डिसाइड होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। लास्ट ईपॉक्स कितने चलाने हैं, हमारे डेटा के ऊपर हमें कितने आइटरेशंस देने हैं हमारे एल्गोरिदम के, ये भी हमें डिसाइड करना है। तो इन शॉर्ट अगर आपको ये सारी चीज़ें निकालनी आती हैं, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, न्यूरॉन पर लेयर, लर्निंग रेट, ऑप्टिमाइजर, बैच साइज, एक्टिवेशन फंक्शन और ईपॉक्स, अगर आप इन सब का सही वैल्यू निकालना सीख जाओ तो ऑटोमेटिकली आपका जो न्यूरल नेटवर्क है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा तो इम्प्रूव कर ही जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या है कि भले ही आपने ये सारी चीज़ें बहुत सही से सेट कर ली, फिर भी क्या होता है कि आपके न्यूरल नेटवर्क में, सिंस इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से भी क्या होता है कि आपके न्यूरल नेटवर्क का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और उनका सॉल्यूशन खोजेंगे। सबसे पहला मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बताया था, वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। सो होता क्या है कि जब आप बैक प्रोपोगेशन करते हो तो पीछे के डायरेक्शन में आप अपने वेट्स को अपडेट करते हो, और वेट्स को अपडेट करने के प्रोसेस में आप ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करते हो। सो होगा क्या कि अगर आप सिग्मॉइड जैसा कोई एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हो तो जैसे जैसे आप पीछे के लेयर्स में जाते हो, शुरू वाले लेयर्स में जाते हो, जैसे जैसे आप शुरू वाले लेयर्स में जाते हो तो यहाँ वाले जो ग्रेडियंट्स होते हैं ये बहुत छोटे होते चले जाते हैं इस तरीके के, और जैसे ये बहुत छोटे हो जाते हैं तो अपडेट का कोई मीनिंग नहीं रहता और बेसिकली ट्रेनिंग रुक जाता है, मॉडल ट्रेन नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम सीखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है इनफ डेटा ही नहीं है आपके पास। ये मैंने आपको एकदम शुरू में पढ़ाया था कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि डीप लर्निंग इज़ डेटा हंग्री, डेटा का भूखा होता है डीप लर्निंग, इसको चाहिए खूब सारा डेटा। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास इनफ डेटा नहीं है तो क्या करोगे, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। थर्ड है स्लो ट्रेनिंग, कुछ टेक्निक्स लगा करके आप अपने ट्रेनिंग को फास्ट कर सकते हो जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स भी इम्प्रूव करेंगे। और लास्ट तो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर मशीन लर्निंग मॉडल को फेस करना पड़ता है, वो डीप लर्निंग में भी है, और वो है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब ये है कि आपके न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मान लो आप एक बहुत डीप न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, कुछ कुछ न्यूरल नेटवर्क्स में मिलियंस ऑफ वेट्स होते हैं, तो जब आप इतने ज़्यादा पैरामीटर्स रखोगे तो एक टेंडेंसी तो रहेगा ही ओवरफिटिंग का। तो अगर ओवरफिटिंग होता है तो आप ओवरफिटिंग से कैसे बचोगे ये भी हमें सीखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट्स में अब डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून कैसे किया जाता है, मैं आपको कुछ जनरल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको याद रहेगा कि अच्छा ये करने से रिजल्ट बेहतर होता है। ठीक है, और फिर हम लोग इन चार प्रॉब्लम्स के बारे में एक हाई लेवल डिस्कशन करेंगे कि ये प्रॉब्लम होता है, दीज आर द सॉल्यूशन, और फिर इनके डिटेल में हम लोग आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द प्लान। सो गाइज, अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसी को मैंने नीचे लिख दिया है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपने हाइपर पैरामीटर्स को फाइन ट्यून कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे देर आर 7 हाइपर पैरामीटर्स जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हाइपर पैरामीटर है वो है नंबर ऑफ हिडन लेयर्स। ठीक है, बेसिकली आपके न्यूरल नेटवर्क में तीन टाइप के लेयर्स होते हैं। एक होता है आपका इनपुट लेयर जहाँ से डेटा जाता है, दिस वन। एक होता है आउटपुट लेयर जहाँ से आपको आउटपुट मिलता है, और बीच के लेयर्स को आप हिडन लेयर बोलते हो। तो एक बड़ा सवाल ये रहता है कि आप कितने हिडन लेयर्स यूज़ करोगे।
अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप चाहो तो सिर्फ एक हिडन लेयर यूज़ करके भी अपना काम चला सकते हो। लेट्स से आप एक हिडन लेयर लो और उसमें काफ़ी सारे न्यूरॉन्स ऐड कर दो, तो इसके अंदर पोटेंशियल है कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा को या उस डेटा के अंदर के पैटर्न्स को निकालने का। बट ऑनेस्टली मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि रादर देन टेकिंग वन हिडन लेयर विथ अ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स, अ मच बेटर अप्रोच इज टू हैव मल्टीपल हिडन लेयर्स विथ फ्यूअर न्यूरॉन्स। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। मैं बोल रहा हूँ कि रादर देन आपने एक हिडन लेयर लिया जिसमें 512 न्यूरॉन्स डाले, उससे अच्छा है कि आप तीन हिडन लेयर्स लो विथ लेट्स से 32 न्यूरॉन्स। ये वाला आर्किटेक्चर आपको ज़्यादा हेल्प करेगा या ज़्यादा सिनेरियोज़ में ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स देगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि डीप लर्निंग एक टेक्निक यूज़ करता है जिसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन लर्निंग। सो डीप लर्निंग कैसे काम करता है कि आपके डेटा में जो बहुत ही प्रिमिटिव पैटर्न्स हैं, शुरू वाले हिडन लेयर्स उनको कैप्चर करते हैं। लेट्स से आप एक फेस, अब मैं फेस अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ बट यू गेट द आइडिया, आप एक फेस को रिकॉग्नाइज करना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो शुरू वाले हिडन लेयर्स होते हैं ना, ये आपके प्रिमिटिव फीचर्स को पकड़ेंगे, लाइक लाइंस को या फिर एजेस को, इस तरह की चीज़ों को पकड़ेंगे। आपके जो बीच वाले हिडन लेयर्स होंगे वो इन प्रिमिटिव फीचर्स को जोड़ करके शेप्स बनाते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वाले होते हैं वो इन शेप्स को जोड़ करके ये फेस जैसा कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाते हैं। तो ये जो हायरार्की होता है ये बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाता है एक डीप न्यूरल नेटवर्क। डीप मतलब जिसमें ज़्यादा हिडन लेयर्स है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इट्स प्रेफरेबल कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ हिडन लेयर्स लो विथ लेस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रादर देन टेकिंग जस्ट वन हिडन लेयर विथ अ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि कितने ले फिर, हाउ मच इज ओके, मतलब मैं यहाँ पे 3 लूँ या 30 लूँ या मैं 300 लूँ। द आंसर इज जैसे ही आपके डेटा पे ओवरफिटिंग होने लग जाए, ओवरफिटिंग के बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, बट अगर आपके डेटा में ओवरफिटिंग होने लग गया, आपके रिजल्ट्स में ओवरफिटिंग आने लग गया, तो आपको वहाँ पे रुक जाना है और हिडन लेयर्स नहीं बढ़ाने। जब तक ओवरफिटिंग नहीं हो रहा तब तक आप हिडन लेयर्स बढ़ा के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस अप्रोच का एक और फायदा है, ये जो अप्रोच है जहाँ पे आपके शुरू वाले लेयर्स प्रिमिटिव फीचर्स को पकड़ रहे हैं और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आप और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को पकड़ रहे हो, इसका एक और फायदा होता है और उस फायदे को बोला जाता है ट्रांसफर लर्निंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग में और ये आप पढ़ोगे जब हम CNN पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो आपने एक मॉडल बनाया जो ह्यूमन फेसेस के ऊपर फेस डिटेक्शन कर सकता है, ह्यूमन फेसेस के ऊपर। अब सडनली से आपको एक नया प्रोजेक्ट मिला जहाँ पे आपको एक बंदर का चेहरा आइडेंटिफाई करना है, कुछ इस तरीके का आपको टास्क मिला है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपने यहाँ पर इस चीज़ के लिए जो न्यूरल नेटवर्क बनाया था, जो कि शायद ऐसा दिखता है मान लो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको रीयूज कर सकते हो। हम सभी को पता है कि मंकीज़ और ह्यूमंस के फेस में देर इज़ अ सिमिलैरिटी एटलीस्ट प्रिमिटिव लेवल पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक जो नया न्यूरल नेटवर्क बनाऊँगा उसको स्क्रैच से ट्रेन करने के बदले ये जो शुरू वाले लेयर्स हैं जहाँ पे लाइंस और शेप्स का इंफॉर्मेशन है, मैं इसको उठाऊँगा और लास्ट के लेयर्स को फिर से ट्रेन करूँगा जहाँ पे मैं ह्यूमन फेस के बदले इस बार मंकी के फेस को डिटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर यही होता है कि आप एक प्रॉब्लम के ऊपर एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करके रखते हो और फिर एक सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम में आप ये जो न्यूरल नेटवर्क है उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो, एटलीस्ट जो शुरू वाले लेयर्स हैं जो कि प्रिमिटिव फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो ये दो रीजंस की वजह से आपको बताया जाता है कि आपके जो हिडन लेयर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रखो और उसके अंदर के न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल कर सकता है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ हिडन लेयर्स पे रुक जाना चाहिए, द आंसर इज जहाँ पे भी ओवरफिटिंग होने लग जाए वहाँ पे यू हैव टू स्टॉप। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई।
एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते टाइम अगला जो सवाल आपके दिमाग में आएगा वो ये है कि मुझे हर लेयर में न्यूरॉन्स कितने रखने चाहिए। अब अगर आप इनपुट लेयर की बात करो तो ये तो पहले से ही डिसाइडेड होता है। इनपुट लेयर में आप उतने ही न्यूरॉन्स रखते हो जितना इनपुट में डेटा होता है। मान लो अगर आप इस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो कि आपको CGPA और IQ देख के ये बताना है कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं, तो यहाँ पे आपको पता है कि सिंस इनपुट में दो ही कॉलम्स है तो आपके इनपुट लेयर में दो ही न्यूरॉन्स होंगे। सिमिलरली आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो एक होगा, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो भी एक होगा, बट अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो उतने न्यूरॉन्स होंगे जितनी क्लासेस हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। जो मेन क्वेश्चन है वो है हिडन लेयर्स के ऊपर कि हिडन लेयर्स में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पर लोग अपने एक्सपीरियंस से काम करते हैं। पहले ये बात बोली जाती थी कि आपको पिरामिड स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। पिरामिड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मान लो अगर आपके पास तीन हिडन लेयर्स हैं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ो आपके हिडन लेयर्स में आपको जो न्यूरॉन्स हैं वो डिक्रीज करने होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपने 64 रखा तो यहाँ पे आपने 32 और यहाँ पे 16 लिया। इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए पिरामिड वाला। और इसके पीछे का लॉजिक ये था कि हमने अभी डिस्कस किया कि शुरू वाले जो आपके हिडन लेयर्स हैं वो प्रिमिटिव फीचर्स को कैप्चर करेंगे। लाइक अगर ये आपका है तो ये हो सकता है इस लाइन को कैप्चर कर रहा है, ये इस लाइन को कैप्चर कर रहा है, ये इस एज को कैप्चर कर रहा है। और अब अगले लेयर में क्या होगा, इनसे मिल करके इस तरीके के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बन रहे हैं और उसके बाद फिर शेप्स बन रहे हैं। तो हमेशा जो प्रिमिटिव फीचर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे और उनसे जो चीज़ें बनेंगी वो लेस होंगी। तो इसलिए ये लॉजिक था कि आपका जो हिडन लेयर है उसमें धीरे धीरे आपको नंबर ऑफ न्यूरॉन्स घटाना है। बट बाद में लोगों ने रियलाइज़ किया थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, लोगों ने खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स रन किए एंड दे रियलाइज कि ऐसा नहीं भी अगर आप फॉलो करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट सेम ही आता है। जैसे अगर आपने तीन हिडन लेयर्स लिए और आपने तीनों में ही 32 ले लिया तो कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं आता परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ कोई रूल नहीं है, पहले ऐसा माना जाता था। आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, दोनों ही चलेगा, दोनों में ही एक जैसा रिजल्ट आएगा। एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपके जो नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो हमेशा सफिशियंट होने चाहिए। सफिशियंट का मतलब ये, मान लो आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पे दो इनपुट थे और फिर आपने हिडन में एक ही रखा और ये दूसरे वाले हिडन में तीन रखा और फिर ये आपका आउटपुट है। तो यहाँ पे सिंस आपने एक ही रखा है तो आपके प्रिमिटिव फीचर सिर्फ एक ही कैप्चर हो रहा है और बाकी इग्नोर हो गए। और एक बार इस लेवल पे अगर कुछ फीचर्स इग्नोर हो गए तो आप इसको आगे जाके रिकवर नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा सफिशियंट नंबर ऑफ नोड्स डालने चाहिए, इट शुड बी मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, सिंपल सी बात है। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूरॉन्स पर लेयर कितने होने चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए सफिशियंट, ज़्यादा से ज़्यादा डाल दो। अगर परेशानी हो रही है या ओवरफिटिंग हो रहा है तो रिड्यूस कर दो, बट हमेशा ज़्यादा से स्टार्ट करो, वो ज़्यादा सही रिजल्ट्स आपको देगा। सो गाइस, हमने इसमें दो चीज़ें तो पढ़ ली, हमने पढ़ लिया नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितने होने चाहिए और हमने ये भी पढ़ लिया कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पर लेयर कितने होने चाहिए। अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, लर्निंग रेट एंड ऑप्टिमाइजर, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम स्लो ट्रेनिंग पढ़ेंगे। इसके पर्सपेक्टिव से हम ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे बिकॉज इन दोनों को वेरी करने से या चेंज करने से आपका ट्रेनिंग का स्पीड बढ़ता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको पढ़ेंगे। ऑल्सो एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब हम ये पढ़ेंगे वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, बिकॉज एक्टिवेशन फंक्शन चेंज करने से आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब हम बस दो चीज़ों का डिस्कशन करते हैं, बैच साइज के बारे में और ईपॉक्स के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट बैच साइज फर्स्ट। तो अगर आपको याद होगा हमने जब ग्रेडियंट डिसेंट के टाइप्स पढ़े थे, इनफैक्ट एक दो वीडियो पहले ही मैंने आपको बताया था कि देर आर थ्री टाइप्स, हम डिस्कस कर रहे हैं बैच साइज। तो
तो मैंने आपको बताया था कि देर आर थ्री टाइप्स. सो देर इज बैच ग्रेडियंट डिसेंट, देर इज स्टोकास्टिक, एंड फाइनली देर इज अ मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट. तीनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है. बैच ग्रेडियंट डिसेंट में आप एक बार सारे रोज के ऊपर घूमने के बाद वेट अपडेट करते हो, कन्वर्जन स्लो होता है. स्टोकास्टिक में एक रो के बाद आप वेट अपडेट करते हो, थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट होता है. तो उनके बीच में आप एक बैच डिसाइड कर सकते हो, बैच साइज ऑफ लेट्स से 32. तो आप बोल रहे हो कि हर 32 रो को देखने के बाद मैं एक बार अपडेट करूँगा. तो अब यहाँ पे ये जो बैच साइज है ना, ये भी एक हाइपर पैरामीटर है. लाइक हाउ वुड यू डिसाइड कि कितना सही होता है? अब यहाँ पे भी डीप लर्निंग के वर्ल्ड में दो अप्रोचेस हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि स्मॉलर बैच साइज लो, लाइक इन द रेंज ऑफ 8 to 32, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. और कुछ लोग बोलते हैं लार्ज लो, लेट्स से बहुत बड़ा नंबर जो लिया जाता है वो है 8192. ठीक है, अब दोनों का फ़ायदा नुकसान है मैं आपको बताता हूँ. लार्ज से क्या फ़ायदा है कि ट्रेनिंग फास्ट हो जाता है, स्मॉल से स्लो हो जाता है. सिंपल सी बात है. एक चीज़ अच्छी जो है वो ये है कि स्मॉलर से जनरली आपका जो जनरलाइजेशन होता है, जनरलाइजेशन जो होता है बेसिकली नए डेटा के ऊपर जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेटर होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस वन. इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि स्मॉलर डेटा सेट, स्मॉलर बैच साइज प्रेफर करूँ. बट लार्ज से अगर आप किसी तरीके से बढ़िया रिजल्ट्स ले आओ तो ये ज़्यादा अच्छा कंसिडर होगा, बिकॉज ये फास्ट है. तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर काम किया है और उन्होंने बोला है कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज़ लर्निंग रेट शेड्यूलर. जो लर्निंग रेट होता है आप उसको वेरी करो, मतलब जब आप शुरू के ईपॉक्स में हो तो आप लर्निंग रेट को बहुत ही स्मॉल रखो, और जैसे जैसे आप आगे के ईपॉक्स में जा रहे हो उसको बढ़ाते जाओ लर्निंग रेट को. इससे क्या होता है, आपका बड़ा बैच साइज वाला ट्रेनिंग भी अच्छे रिजल्ट्स देता है और फास्ट तो होगा ही, बिकॉज आप एक साथ बहुत सारा डेटा लेकर के काम कर रहे हो. तो ये जो अप्रोच है जहाँ पे आप लर्निंग रेट को पहले छोटा रख रहे हो और फिर धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, इसको बोला जाता है वार्मिंग अप द लर्निंग रेट. ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं. दो अप्रोचेज हैं. एक है कि आप बड़ा बैच साइज लो, लाइक द मैक्सिमम दैट यू शुड डू इज 8192. ये एक्चुअली नंबर डिपेंड करता है जीपीयू के रैम के ऊपर. ठीक है, तो आप इतना बड़ा नंबर ले सकते हो, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ट्रेनिंग उतना स्टेबल नहीं होता है और नए डेटा के ऊपर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते. तो कुछ रिसर्चर्स ने क्या किया, एक टेक्निक यूज किया जिसको बोला जाता है वार्मिंग अप द लर्निंग रेट. इसमें क्या करते हो आप कि लर्निंग रेट को कांस्टेंट रखने के बदले वेरी करते हो, चेंज करते हो. जब आप शुरू के ईपॉक्स में हो, जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो आप लर्निंग रेट को कम रखते हो, छोटा रखते हो, और जैसे जैसे ईपॉक्स बढ़ते हैं आप बहुत तेज़ी से बढ़ाने लग जाते हो लर्निंग रेट का वैल्यू. और इस प्रोसेस से जब ट्रेनिंग होती है तो नॉट ओनली वो फास्ट होती है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं. और फिर एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ पे बोला जाता है कि यार कम ही रखो बैच साइज, भले ही ट्रेनिंग स्लो होगी बट रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, और ये एक प्रूवन चीज़ है. तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये टेक्निक यूज़ करना चाहिए, और अगर ये काम नहीं करता है तो आपको इस टेक्निक पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक आपको रिजल्ट्स तो देगी ही देगी. बस इस वाली टेक्निक का फ़ायदा ये है कि ये फास्ट होगा. तो अगर फास्ट प्लस एक्यूरेट अगर मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है. इसीलिए यू शुड स्टार्ट विद दिस, टेक अ गैम्बल. काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये वाला अप्रोच पे वापस आ जाओ. ठीक है, तो इतना अगर आपको पता है इतना काफ़ी है फिलहाल. लास्ट जो चीज़ हमारी बच गई डिस्कस करने के लिए वो है ईपॉक वैल्यू. अब ईपॉक वैल्यू बहुत सीधा सा पार्ट है, इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है खास. सो सिंपल सा सवाल है कि आप कितने ईपॉक तक मॉडल को ट्रेन करोगे. कुछ लोग 100 डे लेते हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं आने पर उसको 500 कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट होके 1000 कर देते हैं. रखना कितना चाहिए? द आंसर इज कुछ भी रखो, ज़्यादा से ज़्यादा रखो. एक कॉन्सेप्ट यूज़ करो जिसको बोला जाता है अर्ली स्टॉपिंग. ये हम पढ़ेंगे एक वीडियो में. अर्ली स्टॉपिंग में क्या होता है कि आपका जो केराज है वो हमेशा डिटेक्ट करते रहता है कि कब जा करके आपका जो
मॉडल है उसका परफॉर्मेंस स्टेबल हो रहा है, बेसिकली कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा पिछले के कंपैरिजन में, पिछले ईपॉक के कंपैरिजन में। और जैसे ही वो श्योर हो जाता है कि हाँ यार कंटिन्यूसली बहुत सारे ईपॉक्स में रिजल्ट इज़ बेसिकली द सेम, तो मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो अर्ली स्टॉपिंग लगा करके रोक देता है। तो इनफैक्ट आपको कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ईपॉक्स की, कि ईपॉक का वैल्यू कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रख दो, बस अर्ली स्टॉपिंग अप्लाई कर दो। अर्ली स्टॉपिंग इज़ अ मैकेनिज्म विच इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि कब रुकना है, ठीक है। और ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग अ फीचर, केरास में एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक, ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, तो उसके थ्रू हम लोग ये फीचर इम्प्लीमेंट करेंगे जिसको बोला जाता है अर्ली स्टॉपिंग, ठीक है। तो अर्ली स्टॉपिंग ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा कि कितने पे जाके रुकना है, आपको इसका लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो गाइज, ये रहे वो प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आएंगे अगर आप एक डीप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने की कोशिश करोगे। अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया तो आप अपने न्यूरल नेटवर्क का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये चार प्रॉब्लम्स है, वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स, नॉट इनफ डेटा, स्लो ट्रेनिंग एंड ओवरफिटिंग, ठीक है। तो आगे का हमारा डिस्कशन इनके ऊपर रहेगा। वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि जो पहला टेक्निक है वो है वेट इनिशियलाइजेशन। सो जनरली हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किया है उसमें हमने मान लिया है कि सारे वेट्स का वैल्यू हम लोग 1 से या 0.1 से इनिशियलाइज़ करते हैं और बायसेस को 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन है कि कुछ और वैल्यूज़ लेके जब आप काम करते हो तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। यहीं पर आप एक्टिवेशन फंक्शंस को चेंज करने का कोशिश करते हो। सो हमने अभी तक डिस्कस किया था सिग्मोइड, बट सिग्मोइड में वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आता है, तो यू कैन चेंज योर एक्टिवेशन फंक्शन टू समथिंग एल्स। एक बहुत फेमस फंक्शन है रेल्यू, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो आप एक्टिवेशन फंक्शन चेंज कर सकते हो वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स को सॉल्व करने के लिए। थर्ड, आप क्या कर सकते हो, देर इज अ टेक्निक कॉल्ड बैच नॉर्मलाइजेशन। ये थोड़ा रीसेंट टेक्निक है, इसको भी यूज़ किया जा रहा है आज की डेट में टू इम्प्रूव द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। एंड द लास्ट वन इज ग्रेडियंट क्लिपिंग। ग्रेडियंट क्लिपिंग ये स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है फॉर एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स, नॉट फॉर वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। लेट्स से हमारे पास इनफ डेटा नहीं है तो क्या सोल्यूशंस हैं। पहला सोल्यूशन है ट्रांसफ़र लर्निंग, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस किया कि किसी दूसरे के बनाए हुए मॉडल को हम अपने डेटा पे यूज़ कर ले, दैट इज़ वन टेक्निक। देन देर इज़ वन मोर टेक्निक कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड प्री ट्रेनिंग। अनसुपरवाइज्ड प्री ट्रेनिंग ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आपका मॉडल स्लोली ट्रेन हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग टाइप के ऑप्टिमाइज़र्स यूज़ कर सकते हो, जैसा हमने यूज़ भी किया था। हमने एक एडम बोल के ऑप्टिमाइज़र यूज़ किया था, इस तरह के और भी बहुत सारे ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ लर्निंग रेट शेड्यूलर। लर्निंग रेट शेड्यूलर क्या करता है, जैसे जैसे आपका ईपॉक चेंज होता है लर्निंग रेट को चेंज करता है, तो आप ये भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट प्रॉब्लम है ओवरफिटिंग का। ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज़ L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन, जैसा हमने लीनियर मॉडल्स में किया था। एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ अ टेक्निक कॉल्ड ड्रॉप आउट्स, ठीक है। सो इन शॉर्ट, अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो फिर आप बहुत सही तरीके का न्यूरल नेटवर्क बना सकते हो। इनफैक्ट हमारे आगे के जो 10-15 वीडियोस होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होंगे। सो एक वीडियो होगा वेट इनिशियलाइजेशन के ऊपर, एक होगा एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर, बैच नॉर्मलाइजेशन, ग्रेडियंट क्लिपिंग। तो मैंने आपको जैसा बोला कि ये जो वीडियो अब आप ही देख रहे हो ये एक्चुअली एक रोड मैप है आगे के वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो हम इसी वीडियो में जो जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो में पढ़ाई करेंगे। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिला, थोड़ा ओवरव्यू मिला कि आगे हमें क्या पढ़ना है। सो अगले कुछ 10-15 वीडियोज में वॉट आई विल डू इज़ आई विल मेक वीडियोज ऑन दीज टॉपिक्स जो मैंने आपके सामने अभी रखे हैं, और हमें ये सारे टॉपिक्स को बहुत प्रैक्टिकली और बहुत अच्छे तरीके से करना है, सो दैट एक बार जब आप ये सारे वीडियोज़ देख लो
तो आप किसी भी तरह के डेटा के ऊपर एक न्यूरल नेटवर्क बना पाओ और उसका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाओ, ठीक है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से सॉरी, पिछले एक दो हफ्तों में आई नो आई हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड करने में। उसका एक रीज़न है गाइज, आई वॉज इन अ ट्रेनिंग एट अ कॉलेज और बहुत ही हेक्टिक ट्रेनिंग था, अराउंड 9-9 घंटे मुझे डेली पढ़ाना पड़ रहा था ऑफलाइन, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो शूट करने का। एंड आई नो आप लोगों में से कुछ लोग ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो और आपका भी थोड़ा सा कंसिस्टेंसी हिट हुआ होगा, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। व्हाट आई विल डू इज आई विल कवर अप, मैं जितना भी दिन यहाँ पे मिस हुआ है हम थोड़ा जल्दी जल्दी अब वीडियोज़ बना के चैनल पे डालेंगे, तो जो भी आपका टाइम थोड़ा भी अगर बीच में गया तो वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स माई प्लान, सो या दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।